नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं गुड़िया एक बार फिर से तहे दिल से आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपका इस क्लास में जिसका नाम है फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसरी। तो गाइस, हम जो पढ़ रहे थे मैथ में वो था आपका नंबर नेम, है ना। हमने अभी तक सीखा पुट द कॉमा एंड नंबर नेम, ठीक है। जिसने मैंने होमवर्क भी दिया था वो होमवर्क मैं लास्ट में चेक करूँगी और बताऊँगी। आप लोगों ने तो कर ही लिया होगा और मैं उसका आंसर बताऊंगी। आप लोग का काम रहेगा उसे मैच कर लेना, कितना आंसर का से आपने आंसर सही लिखा है, कितना गलत लिखा है। ओके, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। हमने पढ़ा था पुट द नंबर और नंबर्स नेम, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। क्लास जो चल रही है वो मैथ की है और हम मैथ में पढ़ने वाले हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड मतलब होता क्या है, कोई भी नंबर दिया हुआ है उसे एक्सप्लेन करके लिखना है। यानी कोई छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ें, जैसे कि आपके घर में आपने रबड़ देखा होगा, है ना। बालों का जो रबड़ होता है वो छोटा सा ही होता है, जब उसे खींचते हैं तो वो कितना लंबा हो जाता है ना। तो उसी प्रकार आपके सामने कुछ नंबर दिए रहेंगे, उस छोटे से नंबर को आपको खींच के बड़ा करना है, यानी एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताना है। तो वो कैसे होगा, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैंने बताया भी था कि मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊंगी बिल्कुल बेसिक से हार्ड तक लेके चलूंगी गाइस, ठीक है। तो बेसिक में मैं जो लेने वाली हूँ, मैं 100 यानी कि 1, 10, 100 वाले 100 तक के डिजिट के नंबर को लूंगी और फिर हम चलेंगे लाख करोड़ तक। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर वन देखना। क्वेश्चन नंबर वन सबसे सिंपल है, जैसे 3, 2, 4 लिखा है, इसका क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये देखने में केवल 3 डिजिट का नंबर जरूर है लेकिन आपको इसमें क्या करना है, बड़े में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 और 3 के बाद काउंट करेंगे टोटल कितने डिजिट हैं। तो आप देखोगे 3 के बाद 2 डिजिट है, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, राइट। 3 के बाद क्या है, 2 है, 2 के बाद 1 डिजिट है, 1 जीरो, और इसके बाद 4 है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है, हो रही हैं। देखिए भाई, आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर उनको ये चीज़ नहीं आता है तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने बच्चों को, या फिर हर कोई भी बड़ा इंसान है, छोटे बच्चों को जो चीज़ नहीं समझ में आता तो आप छोटे बच्चों को बुलाओ और उससे बोलो एक्सप्लेंडेड फॉर्म करो। अगर वो लड़का नहीं कर पाता है तो आप तो सीख ही चुके हो, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि बच्चों के पढ़ने की उम्र अभी ही है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैथ के हर एक बुक में मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ यही क्वेश्चन मिलेगा, पर हाँ बस उसमें क्या होगा, डिजिट आपका चेंज हो जाएगा। हाँ, 3 की जगह 4 हो सकता है, 4 की जगह 8 हो सकता है और 8 की जगह 2 हो सकता है, लेकिन जो एक्सपेंडेंट फॉर्म होता है वो ठीक इसी प्रकार से निकाला जाता है। एक क्वेश्चन और करती हूँ 100 वाले, फिर हम 1000 की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है 204, इसका निकालना है, एक्सप्लेन करना है, इसे बड़े में लिखना है। सबसे पहले 2 है तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो, फिर इसके बाद क्या आया है, 0, 0 का कोई मतलब नहीं होता इसलिए 0 को छोड़ देना है। तो इसके बाद क्या है आपका, केवल 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, क्लियर है भाई। 0 का कोई मतलब नहीं होता इसलिए हमने इसका नहीं निकाला। ओके, ये तो रहा 100 तक का। अब थोड़ा सा डिजिट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। 1, 10, 100 का फाइनल हो गया, अब हम आगे किसका पढ़ेंगे, तो हम बढ़ेंगे 1000 का, राइट। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, जैसे दिया है 3, 4, 5, 8, इसका निकालना है क्या, एक्सप्लेन। अगर बोलता है इसमें कॉमा लगाने के लिए, तो मैंने आपको बताया भी था शुरू के 3 अक्षर के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे 3, 3 के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, तो 3 जीरो, ओके। फिर प्लस, फिर 3 के बाद 4 है, 4 के बाद कितने डिजिट है, 2, तो इसलिए 2 जीरो। फिर प्लस, 4 के बाद क्या है, 5, 5 के बाद 1 डिजिट इसलिए 1 जीरो, और फिर हो गया आपका 8। आया समझ में, क्लियर है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेंडेड नंबर। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। आओ अब थोड़ा सा हम और भी आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करवाती हूँ 1000 वाले, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको 3, 9, 8, 0, इसका एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो कैसे करोगे। सबसे पहले 3 लिखोगे, 3 के बाद 1, 2, 3, 3 डिजिट है इसलिए 3 जीरो,
फिर आपका 9 है, 9 के बाद 2 डिजिट है यानी 2 0, फिर 8 होगा, 8 के बाद 1 डिजिट है 1 0, इसके बाद क्या फिर 0 लिखेंगे? नहीं, क्योंकि 0 का कोई मान्य होता ही नहीं है। ओके, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी, राइट। ये आपका 100 और 1000 तक का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 1000 के बाद बढ़ते हैं 10000 की तरफ। और जो मैंने कल होमवर्क पढ़ा दिया था आप लोगों को, आज मैं अभी उसे सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। डोंट वरी, आप लोग अपने कॉपी में तो होमवर्क कर ही लिया होगा, एक बार आप उसे मैच कर लेना, ठीक है। और 1000 पढ़ लिया, अब 10000 वाले क्वेश्चन। क्या करना है, इसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले लिखो 3, 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, तो आपको 4 0 लिखना है। ओके, फिर प्लस करना है, 3 के बाद 9 है, राइट, लिखेंगे 9, 9 के बाद 1 2 3 डिजिट, 9 के बाद क्या है? 7, 7 के बाद 2 डिजिट, फिर 2, 2 के बाद 1 डिजिट, और फिर इसके बाद 8। ये हो गया आपका एक्सप्लेन। देखो कितना छोटा सा नंबर है, लेकिन हमने इसे कितना बड़े में क्वेश्चन कर दिया है ना। ये छोटे चीज़ को खेच तान कर बड़ा करना, ये होता है एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन का हिंदी अर्थ होता है विस्तार करो, ठीक है। आओ एक क्वेश्चन 10000 का और करवाती हूँ, जैसे 3 0 8 0 9, इसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे 3, 3 के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि 0 है या 8 है या 9 है, नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल डिजिट से मतलब होना चाहिए। 1 2 3 4, तो 4 0 लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद 0 है तो 0 का नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि 0 कुछ होता ही नहीं है, 0 मतलब कुछ भी नहीं। आ जाओ फिर क्या है? 8, 8 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, 2 0 लगाया। इसके बाद फिर 0 है तो याद है 0 का नहीं लगाएंगे, आगे चलेगा 9। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन नंबर। कहाँ तक का? तो ये क्वेश्चन आपका 10000 तक के क्लियर हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1000 वाले क्वेश्चन फाइनल हो गए, अब चलते हैं लाख की तरफ। ओके, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके से करवा रही हूँ कि आपके छोटे क्लास 3rd से लेके ऊपर के जितने क्लास के बच्चे हैं, 4th 5th 6th 7th 8th, ठीक है भाई, 9th 10th, जितने बच्चे हैं एक्सप्लेनेशन नहीं आता है तो आप देख लो, इसी तरीके से होगा। बेसिक टू हार्ड चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं लाख वाले पे। इसका क्या करना है? तो इसका एक्सप्लेन करना है, राइट। सबसे पहले लिखेंगे 3, 3 के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस 3 के बाद क्या है? 7, 7 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4, 4 0, प्लस 7 के बाद 5 है, 5 के बाद 1 2 3, 3 0, फिर इसके बाद 8 है, 8 के बाद 2 0, फिर 9 है, 9 के बाद 1 0 और प्लस 9। क्लियर है? आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। आई होप इतना चीज़ क्लियर हो गया लाख वाला। अब और भी क्वेश्चन देख लो, कभी कभी क्वेश्चन ये दे देता है इस तरीके से। बोल देगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत आसान है। सबसे पहला क्या नंबर है? 5, 5 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, 5 0 लगा दो। इसके बाद क्या है? तो आप ध्यान से देखो, इसके बीच में कोई नंबर नहीं, केवल 7 है। 7 के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट, इसलिए 2 0 लगा दिया। अब आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, 1 10 100 1000 10000 lakh, ये 5 लाख यानी 5700 रुपीज़ है। क्लियर है? ये तो हुआ लाख वाले क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं 10 लाख वाले। ओके, जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो आप,
ध्यान से देखो, ये 10 लाख वाले क्वेश्चन है। कैसे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ये क्वेश्चन अक्सर क्लास 4th क्लास, 5th क्लास, 6th में अक्सर ही पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, डोंट वरी, पर हम सीखेंगे सब कुछ। चाहे जितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, हमें डरना नहीं है और सभी को सॉल्व करना है। राइट, आ जाओ। सबसे पहले लिखेंगे हम 3। 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस इसके बाद क्या लिखा है? 5। 5 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट है, यानी 50 होगा। फिर प्लस 5 के बाद क्या है? 8। 8 के बाद 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट। फिर 4, 4 के बाद 3 डिजिट। फिर 3, 3 के बाद 2 डिजिट। फिर 9 के बाद 1 डिजिट और फिर 5। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो इससे रिलेटेड। ओके, आओ इसे करते हैं, इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 3 लिखा है, 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके बाद देखो 0 लिखा है, तो 0 का कभी भी आप क्या नहीं निकालोगे? एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आप याद रखना। ठीक है, न इस 0 का, न इस 0 का। इसके बाद निकालना है आपको 8 का। अब 8 के बाद देखो कितने डिजिट हैं, तो 1, 2, 3, 3 डिजिट हैं। 8 के बाद फिर क्या लिखा है? 7। ठीक है, 7, 7 के बाद 2 डिजिट हैं। फिर 5, 5 के बाद 1 डिजिट है, और इसका आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यानी कुल मिला के इसे पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30,08,750। क्लियर है? आई होप इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके 10 लाख वाले क्वेश्चन हैं, ये आपके एक्सपेंडेड फॉर्म है। राइट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन क्लास 5th 6th में आपको ज़रूर दिखने को मिलेंगे, क्योंकि क्लास 5th और क्लास 6th में कभी भी 1000 और लाख के क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्लास 5th में, 6th में, यहाँ पे हमेशा 10 लाख के एबव के क्वेश्चन आएंगे। लाख, 10 लाख और करोड़ के ही क्वेश्चन मिलेंगे। राइट, अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं करोड़ वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा करोड़ का। जैसे कि दे दिया क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसका एक्सप्लेन करो या फिर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म निकालो। तो बच्चे तो पहले देख के डर जाते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन का एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होगा। ठीक है, बस इतना याद रखो, एक्सप्लेन मतलब होता है विस्तार करना। जैसे बालों का रबड़ होता है, जब उसे खींचते हैं तो वह छोटा से कितना बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार ये नन्हा मुन्ना देखने में छोटे से क्वेश्चन को कैसे बड़ा करना है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे 3 और 3 के बाद काउंट करेंगे कितने डिजिट हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिजिट है, यानी 70। इसके बाद क्या लिखा है? 7। 7 के बाद 60। इसके बाद आपका है 5। 5 के बाद 3, 2, 5, 50। इसके बाद 8 है, 8 के बाद 1, 2, 3, 4, 40। राइट, इसके बाद क्या है? 7। 7 के बाद नहीं, सॉरी, इसके बाद 4 है ना, 4 के बाद 1, 2, 3, 0, फिर 4 के बाद 2, 0, फिर 2 के बाद 1, 0 और 6। ये हुआ आपका एक्सप्लेन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, जैसे दिया है 3, और बोल दिया इसे एक्सप्लेन करके दिखाओ। बहुत आसान है, 3 लिखो, 3 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट, 6 डिजिट है, तो 60 होगा। नहीं, 4 और 3, 70,
1 2 3 4 5 6 7 प्लस फिर 8 है, 8 के बाद 1 2 3 4 5, 5 0 प्लस इसके बाद 5 है, 5 के बाद 3 0 और फिर इसके बाद 8। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्यों बच्चों, आई होप इतनी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होगी, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, है ना। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मैं दूंगी करने के लिए, होमवर्क के लिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कल का क्वेश्चन समझा देती हूँ। जो कल वाले बच्चों ने होमवर्क कर रखा है, एक बार अपनी अपनी कॉपी खोल लो और खोल के मिलाओ, जब जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिए थे वो आप मैच कर लो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, मैंने दिया था पुट द कॉमा एंड नंबर नेम, ठीक है। अब होमवर्क की बात आती है, जो मैंने कल होमवर्क दिया था, होमवर्क था आपका पुट द कॉमा एंड नंबर नेम, ओके। आओ, जैसे कि पहला क्वेश्चन था आपका 392, दूसरा क्वेश्चन था आपका 3080 84, फिर थर्ड क्वेश्चन था आपका 84390, ठीक है। पांच क्वेश्चन दिए थे, पहले मैं तीन क्वेश्चन करवा के फिर दो क्वेश्चन और करवा दूंगी। क्या करना था इसमें, पुट द कॉमा यानी कॉमा को रखना था और क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसमें कॉमा रखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, तो ये हो जाएगा आपका 300, राइट। ये क्या है 92, तो यहाँ लिखेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 1 10 100 1000, कितना 1000 है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 है, कितना 1000 है, 3000, तो यहाँ लिखेंगे 3000, ठीक। इसके बाद 100 वाले में कुछ है ही नहीं, 0 है, 100 वाला छोड़ देंगे। फिर ये क्या लिखा है 84, तो यहाँ हो जाएगा आपका 84, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 10 100, यहाँ कॉमा रहेगा, 1000 10000 रहेगा, ठीक है। यहाँ तीन नंबर पे कॉमा रहेगा, चौथा नंबर अकेला रहेगा, ठीक है। यहाँ 1 10 100, ये हमेशा साथ में रहेगा, 1000 और 10000 एक साथ रहेगा, कितना है ये दोनों 84, तो यहाँ लिखेंगे 84000, फिर कितना दिया है 1 10 100, ठीक है। 100 वाले में क्या है 3, तो यहाँ हो जाएगा 300, 90 को क्या पढ़ते हैं 90। इतना समझ में आया बच्चों, एक बार मैच कर लो, फिर दो क्वेश्चन और है उसे भी मैं करवाती हूँ, ओके। एक बार आप मिला के देख लो, क्वेश्चन सही तो हैं आपके ना, जो जो आपने होमवर्क कर रखा है। चलो ओके, आई होप इतना चीज़ क्लियर होगा, है ना। दो क्वेश्चन और दे रखा था मैंने, 5 क्वेश्चन दे रखे थे होमवर्क में, अब मैं उसे करवा देती हूँ, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो आप, अगर ये क्वेश्चन आपके इतने ही आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट कर रखा है, अदरवाइज ये गलत है, उसे सही कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना, आपको फिर से दोबारा से समझा दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका 72 5 6 30, इसे सॉल्व करना था, पुट द कॉमा और इनका नंबर नेम लिखना था। सबसे पहले इसमें लगाना है कॉमा, ठीक है, क्या लगाना है कॉमा, राइट। आओ, 1 10 100, ये एक साथ रहेंगे, यहाँ कॉमा लगेगा, 1000 10000 एक साथ रहेगा, फिर यहाँ कॉमा लगेगा, राइट। उसी प्रकार इसमें भी 1 10 100 एक साथ रहेंगे, यहाँ कॉमा, 1000 10000 एक साथ रहेगा, फिर यहाँ। अब पढ़ते हैं और इसे करते हैं, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10000 है और ये लाख है, ठीक है। कितना लाख है, तो 7 लाख है, तो यहाँ लिखेंगे 7
लाख, क्लियर हो गया। सेवन के बाद क्या लिखा है, टू फाइव, टू फाइव को क्या पढ़ते हैं, 25, तो यहाँ लिखेंगे 25, क्लियर है। 25 कौन से ग्रुप में है, थाउजेंड वाले ग्रुप में है, तो यहाँ लिखेंगे थाउजेंड, 25,000, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या दिया, 630, तो यहाँ लिखेंगे हम 630। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई है। एक बार अपने अपने आप अपने होमवर्क से मैच करके देख लेना, अगर आपका आंसर यही आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है, यानी आप पढ़ने में होशियार हो रहे हो, है ना। और इसे पढ़ते हैं, ये 1 है, ये 10 है, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये लाख, ठीक है। कितना लाख है, 5 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 5 लाख। 5 लाख के बाद क्या है, 24, तो यहाँ लिखेंगे 24 क्या है, थाउजेंड वाले ग्रुप में है, तो यहाँ हो जाएगा 24,000। फिर कितना है, 635, आप सभी लोग एक बार ये दोनों क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ओके गाइस, ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 आपके सामने हैं, यही मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है, यही मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप ये क्वेश्चन आप मैच कर लो और देख लो कितना क्वेश्चन गलत है कितना क्वेश्चन सही है, राइट, ठीक है। तो ये लाख वाले क्वेश्चन है, अभी करोड़ वाले भी क्वेश्चन होंगे जो मैं आगे करवाऊंगी, करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक है, इस तरीके से है। अभी इंटरनेशनल नंबर है, अभी मैं आपको वो भी करवाऊंगी, बिल्कुल डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क। अच्छा, होमवर्क में मैं आपको क्या दूंगी, तो आज मैंने पढ़ाया है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट, तो आज मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ाया है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म का ही क्वेश्चन देने वाली हूँ, ये आपको आज करना है, और कल की वीडियो में जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो कल की वीडियो में मैं आपको आंसर बताऊंगी, आप लोग मैच करके देख लेना, और जब लाइव क्लास चलेगी तो मैं आपको क्या नाम है टेलीग्राम पे ऐड करवा दूंगी, और फिर आराम से आप वहाँ पे होमवर्क अपना सेंड कर सकते हो, राइट। आ जाओ, अगला क्वेश्चन जो है होमवर्क है आपका, इसे फटाफट आपको नोट करना है, ओके। होमवर्क है आपका किसका, एक्सपेंडेड फॉर्म का। हेलो एवरीवन, आज जो हमने पढ़ा है एक्सपेंडेड फॉर्म, आज उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपके होमवर्क लिए दिया है, कल की यानी आपका जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसमें मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी, तो आपका होमवर्क है ये, इन पांचों क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट करना है और इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद, ठीक है, कल की क्लास जब आएगी आपकी और कल मैं आपको कुछ नया पढ़ाने वाली हूँ, तो वो पढ़ाने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊँगी, फिर आपको उस कॉपी से मैच करना है कि वो क्वेश्चन जो आपने कर रखा है वो सही है या गलत, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहती हूँ आप अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, अपने रिलेटिव को, जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, स्कूल में जितने बच्चे हैं क्लास 3rd से ऊपर, उन सभी को इस चैनल के बारे में पढ़ा है, जरूर 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 से बताएं, ताकि वो सारे बच्चे पढ़ सकें। ये आपका एक तरीके से मैथ का ट्यूशन ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय।